जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और आप हैं किसान पाठशाला में और हम हैं इस समय किला परीक्षितगढ़। ये एक मेरे ख्याल से तहसील है मेरठ जिले की, हाँ तहसील टाइप का ही है, कस्बा है। और यहाँ पे यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। जिस कलयुग में आप और मैं अभी जी रहे हैं, जो कलयुग कलयुग चिल्लाते हैं, ये वही जगह है जहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी। और इसका महाभारत काल से बहुत ज़्यादा संबंध है इस जगह का। यहाँ पे कुछ हमारे फॉलोअर हैं और वो काफ़ी लेट हमसे थोड़ा सा जुड़े। उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं पौधे की और हमें जो है पौधा टॉप करना है। तो हम बोले भाई टॉप करने वाले तो राम जी हैं, फिलहाल जो हम बोल रहे हैं उतना करो, बाकी अभी मुझे वक्त मिला आते टाइम। आज मेरा विजिट का लास्ट दिन है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरा उत्तर प्रदेश का विजिट यहाँ पर सम्पूर्ण हो जाएगा बड़ा सुरक्षित और ठीक ठाक। मैं भी स्वस्थ हूँ, सब कुछ स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हुआ। बहुत अच्छा आप लोगों से प्यार मिला और बहुत ज़्यादा, ये लास्ट वीडियो है इस विजिट का, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया किसानों ने। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझे कम जानते हैं, मैं भी सोशल पे कम आया हूँ, और लेकिन जो प्यार मिला जो लोगों ने दिया वो आप लोगों ने लाजवाब, मैं आप लोगों का दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया मुझे। वो बनारस का आखिरी कोना और वो मिर्ज़ापुर का मनोज भाई के खेत से लेके और ये आज मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली अमित भाई के यहाँ तक, ये आखिर के दो किसानों के नाम ले लिए मैंने जिनके बीच में साढ़े मेरे ख्याल से 1100 किलोमीटर का अंतर है। सम्मान ज़बरदस्त मिला, बहुत मज़ा आया काम करने में और मेरा अब दोबारा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से फटाफट दूसरी विजिट की तैयारी करूं। तो बस वो भी जल्दी हो जाएगी अभी और शायद जैसे ही समय मिलेगा आप लोगों के बीच में दोबारा आऊँगा। फिलहाल हम बात करते हैं भैया के साथ जिनके खेत में हम आए हुए हैं। मज़े की बात यह है कि यह सारा जो है यंग ब्लड है, अब समझ में आ रही है लोगों की कि भाई या तो वापस आ जाओ अपनी धरती पर, नहीं तो कहीं के नहीं हो। और यहाँ पे आके जो नए लड़के हैं ये कुछ नया एवोल्यूशन लाने के चक्कर में हैं, कुछ ना कुछ नया करने के सोच रहे हैं जैसे मैंने सोचा था। तो अब लोग आ रहे हैं, केले में आ रहे हैं, लोग अमरूद में जा रहे हैं, अलग अलग खेतियों में जा रहे हैं और मज़ा आता है देख के इन चीज़ों को। एक्चुअली यही हमारी जड़ है और यहीं से सब कुछ है। उगाओगे नहीं तो नोट खा के पेट नहीं भर सकते भाई साहब। डॉक्टर बोलेगा केला खाओ, केला उगाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। तो आइए मिलते हैं भैया से। आ जाओ भैया, आप अपना परिचय दो, थोड़ा सा आगे जाना शायद लाइट जरा। हाँ नमस्ते किसान भाइयों, मैं अंकित चौधरी गांव बहलोलपुर किला परीक्षितगढ़ से। और आज बड़ी खुशी हुई है कि राहुल भाई हमारे गांव में हमारे फील्ड में पधारे हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के भैया हैं ये हमारे, काफ़ी अच्छी तरीके से गाइडलाइन देते हैं। और जैसे कि बात है कि हमने पौधा लिया था किसी और कंपनी से लिया था, लेकिन हमें कितने में कितने पे है ये 6-7-5 पे है। अच्छा है वही, ओके पौधे से पौधा साथ है और हमारी लाइन से गाइडलाइन पूरा वही है, बस थोड़ा सा पौधा लेने में उस टाइम पे आप बता तरीके से लगाया हुआ है बहुत शानदार, लेकिन हमें जब तक पता नहीं था हमने किसी और कंपनी से पौधा ले लिया पड़ता है। जी जी, लेकिन जैसे आपके बारे में पता लगा बलराम भैया का, हमने वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो उसके बाद हमें पता लगा, तो हमने आपके जो रेवा का टिश्यू कल्चर का आपका वो है रेवा फ्लोरो के नाम से वो हमने देखा, उसके बाद आपका नंबर मिला, आपसे बात हुई। तो आपसे बात होने के बाद में हमें जैसे जैसे कुछ दिक्कत आती गई इसमें, हमने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और उसका हमें काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन बताया आपने। तो जब से फॉलो करना शुरू किया था उसके बाद से क्या मतलब, एक होता है ठीक, एक होता है बहुत ठीक, एक होता है मज़ा आया। नहीं, जब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप गाइडलाइन दे रहे हो, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी हमारा पौधा भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है जब से आपसे आपके बताए हुए सॉल्यूशन हमने इसमें करे हैं। तो दिखाना भैया इधर, थोड़ा सा इधर लाओ। तो इनके पौधे में बहुत बढ़िया शांत, जब मुझसे मुलाकात हुई थी तो उस समय शायद थोड़ा पौधा सफरिंग कर रहा था किसी चीज़ से और गैपिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का सा चॉकिंग ऊपर आया है, इसको अपन निकाल लेंगे। और बहुत सही टाइम पे मैं इनके खेत में आया और बस रेवा में और बाकी में मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क तो वो तो बाद में फल पे तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आता है ना अंकित जी, तो वो नहीं दिखता मुझे बाकी जगह में, होना चाहिए। मैं बाकी सभी कंपनी से कहूँगा कि आप भी कोशिश करें कि रेवा की तरह 6 और 4 साइकिल का पौधा बनाएं और मज़ा आएगा फिर किसानों का भला कर दो यार थोड़ा सा, अपना तो सभी कर रहे हैं बहुत अच्छा। अंकित भाई जी, पाले से बाहर हो तुम जी, आगे किस्मत है जी जी जी, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से यहाँ से पाले से बाहर हो तुम, पाले का असर इस पर अब नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इसकी हाइट ये देखो बहुत बढ़िया जा रही है, बहुत बढ़िया। आप साइड में खड़े हो तो यहाँ पे खड़े हो साइड में, भैया आप भी जाओ, आप अपना परिचय दो, आप कौन हैं? मेरा नाम है गौरव कुमार जी, मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा सगे? हाँ जी। अरे वाह, मैं तो दोस्त सोच रहा था नहीं। बहुत बढ़िया, आप इधर आ जाओ, देखो
इधर आओ भैया, ये उत्तर प्रदेश है, देखो यहाँ पे ना अभी से वो शुरू हो गई। बलराम भाई देखेंगे तो बलराम भाई को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ज़रूरत जो है बलराम भाई, ये भैया ने ना जैकेट पहना हुआ है, यहाँ यूपी में शुरू हो चुका है, वेस्टर्न यूपी में। अब थोड़ा सोचो क्या करना है ठंडी में लोगों के साथ। बहुत बढ़िया अंकित भाई, प्लॉट अगर मैं, शायद मेरा दुर्भाग्य है कि मैं दिन में नहीं आ पाया, थोड़ी सी मजबूरी रही मेरी, वरना भाई साहब बहुत शानदार प्लॉट बनाया हुआ आपने। अगर मेरे ऐसे फॉलोअर मिल जाना भाई साहब, केला में बम्पर कटवा दूंगा यहाँ पे, प्रीमियम क्वालिटी। देखो बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, मतलब ज़बरदस्त हाइट है, तकरीबन 5-6 फीट की हाइट है, शानदार। देखो अच्छा, तुमने टमाटर भी लगाया था तुमने जी, बहुत बढ़िया, खुरापात होनी चाहिए, ज़रूर है, देखो कितना शानदार है। इसको ज़रा हाथ से बंद करना, दोनों दोनों मुट्ठियों से ऐसे पकड़ो, हाँ और नीचे से बस यहाँ से, ये बहुत बढ़िया, ये जा रहा है तकरीबन तकरीबन आपका, इसको पकड़ो एक सेकंड ज़रा, मेरे मोबाइल को छोड़ो अंकित, उसको ये दिखाना कपड़ा, तकरीबन 18 इंच के आसपास, बहुत शानदार, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगता है पता है जब कोई तुम्हारे कहने से कोई चीज़ को फॉलो करे और उसको आनंद आए, और यही किसानों की सेवा का आनंद है। किसान अगर मेरे कहने से काम कर लें या किसी के कहने से भी कुछ काम कर लें जो अच्छा बता रहे हैं उसको करना चाहिए। पोंगा बहुत शानदार आ रहा है अंकित भाई जी, बस हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, और बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा कोई आपका सवाल हो ऐसा जो आप पूछना चाहते हो मेरे से सबके सामने, बिल्कुल बिंदास होकर पूछिए। सवाल तो बस अब अगर फसल तैयार हो जाएगी तो जी बेचने का सवाल है, बिक तो अपने आप जाएगा, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी अगर आप लेके आओगे जी जी जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई माल नहीं बिके, साला आदमी बिक रहा है आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर जी, ये तो है ये बात तो है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे लगाया हुआ है, कह रहे हैं कि व्यापारी ले नहीं रहा, कह रहा यहाँ का केला पकता नहीं है। सही बात है, जिब्रेलिक मारेंगे तो कहाँ से पकेगा जी, व्यापारी गलत नहीं बोलता कभी भी जी जी जी। आप व्यापारी को चैलेंज दो कि भैया मेरा केला लेके जा, अगर कलर नहीं आएगा तो मैं मांगूंगा ही नहीं जी, फ्री है तेरे लिए, बात खत्म। आप क्यों नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने जिब्रेलिक मारा है जी, आपको पता है मैंने क्या खुराफात की है इसके साथ, वरना व्यापारी को ठोक के बोलो मैं बोलता हूँ मेरा केला लेके जाओ, कलर नहीं आएगा पैसे मत देना जी। सही बात है भाई, आप ये लगाओ जितने मेरे किसान हैं मैं बात करवा दूंगा, मिर्जापुर के किसान हैं अपने मनोज जी, उनके भैया हैं और चचेरे भाई, मैं उनका नाम थोड़ा दिमाग से उतर रहा है भैया का, उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उनका आज भी 13 रुपये में केला कट रहा है, प्रीमियम क्वालिटी बनाई है उन्होंने, जहाँ से मैंने जिस खेत में मैंने केला खाया था आपको याद होगा मिर्जापुर में, उनके खेत की बात कर रहा हूँ। तो क्वालिटी की हर जगह कीमत है भाई, एक्सपोर्ट भी हो रहा है इसी मंदी के दौर में जी, तो मंदी है कहाँ, मंदी हम लोगों ने बना रखी है, हम केले के अंदर क्वालिटी नहीं पैदा कर रहे, अब क्वालिटी नहीं होगी तो भैया फिर तो रेट ऐसे ही मिलेंगे, क्वालिटी बनाओ तो रेट भी मिलेंगे, व्यापारी भी हम लाएंगे, 70-30 फॉलो करो, 100 फॉलो करो, बी किसान के साथ चलो, व्यापारी भी दिलवाएंगे जी। चलो ठीक है अंकित भाई, बहुत अच्छा लगा आके, धन्यवाद, जय जवान जय किसान जी जी, जय जवान जय किसान, जोर से एक बार जय हिंद बोल दो, जय हिंद।